हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हिस्ट्री में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है आप लोग को, अलग से प्लेलिस्ट को उसको बना दिया गया है उसको, मतलब इसको जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आप कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लगभग 15 क्लासेस। पिछले क्लासेस में पहला पार्ट एंशियंट हिस्ट्री का मैंने कंप्लीट कराया है, 15 क्वेश्चन। ये हमारा दूसरा पार्ट है, बता देता हूँ, एंशियंट हिस्ट्री। इसके बाद जैसे ख़त्म होता है एंशियंट हिस्ट्री, इसके बाद आपका मिडिवल हिस्ट्री यहाँ पर कराया जाएगा, तो आपको कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ पर कराया जाएगा। तो चलिए इस सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो आपके एंशियंट हिस्ट्री के ये आपका पार्ट टू है, दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट जाके प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, तब आपको जाके समझ आएगा। ये आपका लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC, PSC, रेलवे, UPSC, व्यापम, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा, चाहे कोई भी स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, इंद्र ने या परीक्षित ने? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, तो गायत्री मंत्र की जो रचना विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की है और इसके रचनाकार भी हैं। तो गायत्री मंत्र जो पहली बार कहाँ से लिया गया है गायत्री मंत्र को, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऋग्वेद, याद रखिए। तो ऋग्वेद से जो 4 वेद हैं, जिसमें से ऋग्वेद जो है वहाँ से यहाँ पे लिया गया है गायत्री मंत्र को, जिसको याद रखिए। इसी में सावित्री मंत्र के रूप में इसको जाना भी जाता है, जिसमें भजन की रचना की है अग्नि और इंद्र जैसे मुख्य जो देवताओं की, इसको उनके ऊपर ये आपके समर्पित है, तो इसको याद रखिए। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, वसुमित्र है, कौन से वेद से लिए गए हैं, तो ऋग्वेद से लिए गए, दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस नदी का ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं है, सिंधु में, सरस्वती, यमुना या पेरियार में? तो कौन से जो नदी है जो आपके ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं है, ये 4 ऑप्शन दिया है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, तो ऋग्वेद में इसको उल्लेख नहीं किया गया, तो आपका जो पेरियार नदी है इसका उल्लेख नहीं किया गया है, इसको याद रखिएगा। तो ऋग्वेद में जो यहाँ पे एक तो पेरियार है, एक दूसरा आपका आपका नर्मदा नदी थी, इसका जो ऋग्वेद में उल्लेख नहीं किया गया आपको पता होगा। तो ऋग्वेद में जो श्लोक में बताया गया, जिसमें 10 नदियों को यहाँ पे बताया गया है, उल्लेख किया गया है, जिसमें आपका यमुना, सरस्वती, सुतुद्री, परुषणी, अक्षनी, ये बहुत सारे जो नदियाँ हैं इनका उल्लेख किया गया है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऋग्वेद में कौन सा जो नदी है जिसको बार बार इसको उपयोग किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सरस्वती जो नदी है, जो ये आपका इसका ऋग्वेद में इसको बार बार इसको उल्लेख किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी, वेदव्यास, पाणिनी, सुखदेव या वाल्मीकि के द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनको महर्षि पाणिनी कहा जाता है। तो अष्टाध्यायी जो है आपके क्या चीज़ है अष्टाध्यायी, तो आपका अष्टाध्याय मतलब होता है 8 अध्याय वाली जो बुक है, जो महर्षि पाणिनी के द्वारा ही आपके रचित है, रचनाकार है इनके, और ये आपके संस्कृत व्याकरण का ये आपका बुक है, लगभग 700 ईसा पूर्व में, इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक में 4-4 पद दिए गए हैं, जिसको याद रखिएगा। तो एक आपका संस्कृत व्याकरण बुक है, जो कि महर्षि जो पाणिनी, इन्होंने 700 ईसा पूर्व में इसकी रचना इन्होंने की थी, तो इसको बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी किया गया है, इसको याद रखिएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको बिल्कुल आज समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, विद्वान, पुजारी या आपका योद्धा होता? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा आपका श्रेष्ठ हो जाएगा, करेक्ट आंसर। श्रेष्ठ को कुलीन बोला जाता है, शक्तिशाली, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बसावट कहाँ से थी, या कहने का मतलब जो आर्य जनजाति के थे इन लोग प्रारंभिक कहाँ से मतलब बसना स्टार्ट किए थे यहाँ पे? उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, सप्त सिंधु या आपके
तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका सप्त सिंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए तो आर्य वे लोग थे जो प्राचीन जो भारतीय यूरोपीय भाषा बोलते थे, और आर्य जो मूल निवासियों को हराकर जो कि भारत में खुद को स्थापित इन्होंने किया था, और ये आपके दास या इनको दस्यु भी इनको कहते थे, तो इसको याद रखिएगा। तो इनका जो प्रारंभिक जो बसावट ये आपका सप्त सिंधु से हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन और इसमें एक और बताना चाहूँगा जो कहाँ एक मिनट जो यहाँ पे जो सप्त सिंधु यहाँ पे जो बताया गया है आपका एक सात नदियों के बारे में बताया गया था, जिसमें आपका सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज और सरस्वती नदियों के रूप में इसको जाना भी जाता है, जिसको हम सप्त सिंधु कहते हैं, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित चार वेदों में से किस वेद में जादुई आकर्षण और मंत्रों का वर्णन किया गया है, कौन से वेद में बताया गया है, जिस वेद में आपका जादू वगैरह टोना जादू वगैरह सभी मंत्रों का वर्णन किया गया है, कौन सा वेद है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका एक मिनट ना, ये आपका अथर्ववेद इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अथर्ववेद में क्या चीज़ बताएगा, अथर्ववेद जिसको जादू का भी मंत्र है, इसमें जादू तंत्र मंत्र का यहाँ पे इन लोग अथर्ववेद में बताया गया है, मतलब जादुई के रूप में इसको जाना जाता है इस वेद में, जिसमें आपका अंधविश्वास चिंता को दूर करने के लिए खासकर जादुई वगैरह सभी राक्षसों के कारण होने वाले जो दूर करने के जो मंत्र वगैरह जड़ी बूटियाँ सभी इनके बारे में औषधि वगैरह के बारे में इसमें बताया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अथर्ववेद इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार वेद है, इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में किसके बारे में बताया, तो ऋग्वेद में जो है आपका ऋग्वेद में जो ऋचाओं में मतलब या भगवानों के जो देवता की जो प्रार्थना वगैरह स्तुति के बारे में बताया गया है, और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें आपका जल चिकित्सा वायु चिकित्सा और बहुत सारे चिकित्सा के बारे में इसमें ऋग्वेद में बताया गया है, तो इसमें याद रखिएगा। और आपका सामवेद, सामवेद तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सामवेद में जो इसको संगीतों का मंत्र भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा आपका। तो सामवेद में मंत्र वगैरह और संगीत का जिसको कहा जाता है सामवेद को, तो इसको याद रखिएगा। इसके गायन वगैरह पद्धति के बारे में इसको बताया गया है। इसके बाद देखते हैं हम यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या चीज़ बताया, तो आपका यजुर्वेद में आपका ना जितने भी जो ऋषि मुनि वगैरह थे, तो यज्ञ के बारे में इसके उनके महत्वपूर्ण बारे में इनको बताया गया है। चार वेदों में जो आपका जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ की जो असली उनकी जो इससे क्या होता है, यज्ञ करने से क्या फायदे, इसी के बारे में इसके प्रक्रिया के बारे में इसको बताया गया है, तो इसको याद रखिए। इसके बाद देखते हैं हम अथर्ववेद, तो अथर्ववेद को तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ इसमें जो पति पत्नी के उनके कर्तव्यों को विवाह के नियम वगैरह इसमें जो मर्यादा वगैरह का इसमें सभी चीज़ों का इसमें उल्लेख किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगन ये आपका कहाँ स्थित है जी, राजस्थान में गुजरात में पंजाब में या आपके मध्य प्रदेश में, तो कालीबंगन जो है वर्तमान में अगर देखें तो कालीबंगन आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक ऐतिहासिक स्थल है, तो इसको याद रखिएगा। इस खास करके यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे साक्ष्य अवशेष, तो कालीबंगन से यहाँ से लगभग 4000 ईसा पूर्व में इसको खोज की गई थी, और यहाँ के जो खोज जो अमलानंद घोष के द्वारा इसको 1952 में इसकी खोज की गई थी, और विश्व का जो सबसे याद रखिए एक मिनट जो विश्व का सबसे पहला जोता हुआ खेत का जो अवशेष है कहाँ से मिला है, तो आपके राजस्थान के यहाँ से आपका जोते हुए खेत का यहाँ पे जानकारी यहाँ से अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए कालीबंगन सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चीज़ की मतलब यहाँ खोज हुई थी, तो सबसे पहले जोते हुए खेत की यहाँ पे मिली थी, मतलब उस समय भी खेती किसानी वगैरह इन लोग करते थे, ऐसा करके जानकारी मिली है। कालीबंगन अभी वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को भी और कहा जाता है पिटक अगम कल्प या आपका सुत, जैन साहित्य को आगम के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिए जैन साहित्य को आगम के नाम से भी इसको जाना जाता है, और यहाँ पे जो
जैन साहित्य है, और आपका जो जैन साहित्य में जो इसको आगम को कहा जाए, जैन साहित्य में किसके बारे में बताया गया, इसमें मतलब आपके इसको मागधी भाषा में इसको लिखी गई थी, जिसमें अगर सूत्र वगैरह के बारे में, सिद्धांतों के नियम वगैरह इसमें बताया गया, धर्म के सिद्धांत वगैरह के बारे में, तो इसको याद रखिएगा, तो इसमें संकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। याद रखिए कौन सा जो स्थान इसमें बताया गया है ऑप्शन में, जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पावापुरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा गौतम बुद्ध जी की थोड़ा देखते हैं, तो गौतम बुद्ध सभी को जानते हैं, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, और गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से इसको जाना जाता है। इनका जन्म जो है आपके 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और इनके माता पिता कौन थे, तो शुद्धोधन और आपके महामाया के पुत्र थे। याद रखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके जो महामाया जी इसके माँ थी, और शुद्धोधन इसके पिताजी थे, और आपके शाक्यगढ़ के एक छोटे गढ़ के आपके संबंधित थे, क्षत्रिय थे। और इनका जो विवाह, इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, इनका यशोधरा से इनका विवाह हुआ था। और उनके जो गुरु कौन थे, तो अलारा कलाम, याद अलार कलाम इनके गुरु थे आपके गौतम बुद्ध के। और इन्होंने बिहार में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखिए पीपल के पेड़ के नीचे इनको प्राप्त हुई थी ज्ञान, और फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने वाराणसी में यहाँ पे सारनाथ गए, वहाँ उन्होंने पहली शिक्षा दी थी। याद रखिए अगर एग्जाम में डायरेक्ट कहाँ पहली शिक्षा दी थी उन्होंने, तो सारनाथ में उन्होंने पहली बार शिक्षा दी थी, तो इसको याद रखिए। और पहला उपदेश वो आपके सारनाथ में दिया था, याद रखिए शिक्षा भी आपके कहाँ दी थी, सारनाथ में, और उपदेश भी सारनाथ में दिया था, तो इसको याद रखिएगा। और यह बहुत ही गौतम बुद्ध बहुत ही दयालु होते थे, और उन्होंने जानवरों और बहुत से जो जानवर वगैरह होते थे इनको उनको मतलब साथ ही साथ उनको बहुत ही आदर्शपूर्वक इनको मानते थे। और आप जो इनका कुशीनगर में एक साल के पेड़ के नीचे लगभग 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो अभी जस्ट बताएं, सिद्धार्थ, महेंद्र, शुद्धोधन या वर्धमान, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम इनका सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध का लगभग 563 ईसा पूर्व में गौतम के जो गौतम बुद्ध है इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ है, और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। उनको गौतम के रूप में लुम्बिनी में आपके राजसी परिवार में हुआ था, और आपके भारत नेपाल में वर्तमान में आता है। तो इनका जो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इनका राजसी परिवार में इनका जन्म होता है, और आपके शाक्य वंश के थे, याद रखिएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, और उन जो जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गौतम ने अपने घर को त्याग के, इन्होंने पूरे अपने घर को यहाँ पे त्याग के तपस्या पे यहाँ पे इन्होंने अपना लिया, और उसके बाद लगभग कंटिन्यू यहाँ पे 49 दिनों के इन्होंने यहाँ पे ध्यान मग्न में रहे। और इसके बाद उन्होंने बोधगया बिहार के एक पीपल के पेड़ में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने की थी, तो इसको याद रखिए। इन्होंने बुद्ध ने प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ में इन्होंने दिया था, तो इसको याद रखिएगा। और उनके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में लगभग 430 ईसा पूर्व में 80 साल के एज में इनके यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। इसी घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। कहा जाता है भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार इनको मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध साहित्य रचनाएं आमतौर पर किस भाषा में लिखी गई। याद रखें जितने भी बौद्ध साहित्य जो रचना वगैरह है, तो ये आपकी किस भाषा में लिखी गई है, तो पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में या अपभ्रंश भाषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका पाली भाषा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी बौद्ध जो साहित्य है आपके जितने भी लोक भाषा वगैरह सभी आपके पाली भाषा में ये आपके लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भगवान जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। अभी जस्ट बताया हूँ, तो भगवान जो बुद्ध थे लुम्बिनी में, कुशीनगर,
बोधगया या आपके सारनाथ, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया था मैंने सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और लगभग उन्हें लगभग तक कंटिन्यू उन्होंने 49 दिनों के उन्होंने ध्यान मग्न रहे थे। और गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया गाँव में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। फिर उसके बाद उन्होंने बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश यूपी में आता है आपका सारनाथ, तो इन्होंने इस शहर में सारनाथ गांव में यहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो इसको याद रखिए बार बार, एक बार जिसमें आपको क्लियर नहीं हो पाता है तो इसको रिवाइज कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। एक से दो बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? अंशुमान, वर्धमान, सुधाकर या आपका तीर्थंकर? तो उनका जो जैसे उनको ज्ञान प्राप्ति से पहले उनको घर में जो भगवान महावीर का नाम उनका क्या था, तो उनका नाम आपका वर्धमान था। याद रखिए वर्धमान उनका मूल नाम था, इनका महावीर के नाम से ज्ञान प्राप्ति से पहले इनको महावीर के नाम से वर्धमान के नाम से जाना जाता था। ये आपके कौन से क्रम के तीर्थंकर थे? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो अभी 24वें क्रम के तीर्थंकर है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? कालीबंगा, रोपड़, बनावली या आपका लोथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल इसको एक बार मैं बताया भी था आपको, तो एक उसको नहीं देखे कल का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, शुरू से देखेंगे तो आपको पूरा लास्ट तक बने रहेंगे, तो बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे, क्वेश्चन भी आपसे बनने लगेगा। तो हड़प्पा स्थल जो गुजरात में स्थित है आपका लोथल है। याद रहे लोथल क्या चीज़ था? ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता तक सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक इसको कहा जाता है, गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पे आपका लोथल था, ये आपका बंदरगाह था, जो आपके हड़प्पा जो कालीन जो स्थल में लोगों के द्वारा इसको अपने बिजनेस करने के लिए, इसको व्यापार करने के लिए यहाँ पे इन लोग बनाए थे। उस समय जो खेती किसानी में आपका धान, मक्का, ज्वार, ये सभी आपका जो उपज है सबसे ज़्यादा वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पे उपज ज़्यादा होती धान वगैरह का, इसीलिए इन लोग खेती ज़्यादा होती थी, इसी यहाँ पे व्यापार करने के लिए जो गुजरात में स्थित है आपका जो लोथल या आपका बंदरगाह था, तो खास करके व्यापार करने के लिए इन्होंने बनाई थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, यहूदी धर्म से, हिंदू धर्म से या आपका जैन धर्म से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीर्थंकर जो शब्द है आपके जैन धर्म से संबंधित, इसका मतलब क्या होता है? जैन धर्म से जो जैन धर्म में जो तीर्थक जो तीर्थकर होते हैं धर्म में, इसका मतलब होगा धार्मिक मार्ग के एक करने का एक रास्ता है, समझ सकते हैं, आध्यात्मिक इसमें शिक्षक होते हैं। और जैन धर्म के अनुसार इसमें बताया गया है, तो इसमें एक दुर्लभ व्यक्ति होते हैं और जिसमें संसार और मृत्यु और पुनर्जन्म के यहाँ पे चक्र पे विजय यहाँ पे उनको प्राप्त की जाती है, और दूसरों के लिए यहाँ पे जहाँ पे दूसरों के लिए इसमें मार्ग इसमें बनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तीर्थंकर शब्द आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा सांची के स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के, समुद्रगुप्त या आपके अशोक के या आपके बिंबिसार? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके NTPC हाल ही के एग्जाम में NTPC में आपका जो एग्जाम दिलाया हूँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, रेलवे NTPC बोल रहा हूँ मैं, NTPC 2019, तो इसमें एग्जाम 2019 का जो पेपर है उसमें NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए गए। तो सांची के स्तूप का जो निर्माण सर्वप्रथम आपके किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो सम्राट थे अशोक, तो सांची स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा इसको निर्मित ये बनवाया गया था, ये बाबा बौद्ध परिसर है, तो इसको याद रखिए। आपके कहाँ पे स्थित है सांची? तो आपके MP में, कभी जाइएगा तो घूम के आइएगा, तो आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपका स्थित है, तो याद रखिए। इसको भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना इसमें मानी जाती है। कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3री शताब्दी में इसको बनवाया गया था, और मौर्य जो सम्राट अशोक के द्वारा इसको इनके द्वारा डिजाइन वगैरह करवाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और कहा जाता है जो यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी में ये आपका सूचित किया गया है। और सांची स्तूप जो आपके इसमें एक जो 200 रुपये के नोट में आप देखेंगे हो उसमें आपका यहाँ बना हुआ है, तो इसको याद रखिए। अशोक आपके मौर्य वंश के एक भारतीय सम्राट थे, तो इसको याद रखिए। इनके द्वारा कलिंग युद्ध में कलिंग पर आक्रमण इनके द्वारा किया है, बाकी जैसे क्वेश्चन आएगा था हम उसके हिसाब से
करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। और आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।